बच्चों दूसरे सीरियल में अपने सफाई के लिए नहीं बल्कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के संबंध में आपका दूसरा प्रश्न था। तो इसमें सबसे पहले आप सेवा में प्रबंधक, इलाहाबाद में शाखा, परसपुर गोंडा, ठीक। विषय ऋण प्राप्त करने के परिपेक्ष में, चाहे आप परिपेक्ष में लिखें चाहे संबंध में लिखें, दोनों मतलब दोनों का भाव एक ही निकलता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, थोड़ा समझने में ये लगता है कि थोड़ा कठिन लगता होगा लेकिन बढ़िया सटीक सर। महोदय संबोधन की आपने प्रबंधक पहले कर दिया है इसलिए यहाँ पे महोदय भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में। आज भाई हमारे सरकार की ये मंशा है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कम है ना। अब बेरोजगारी कम करने के लिए वो हर तरीके से सरकारी नौकरी तो सबको उपलब्ध नहीं करा सकती है, इसके लिए वो आवश्यक है कि जो हमारे यहाँ और सरकारी नौकरी की योग्यता नहीं रखते हैं वह भी अपना कुछ काम कर सके। इसके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में आपका कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग आप ले लीजिए कि जैसे रस्सी बनाना हो गया या आपका कम है और छोटा तेल घानी हो गया छोटे छोटे, या कम है मिनी आपका ये मान लीजिए कि गेहूं पीसने की चक्की हो गई, आटा चक्की हो गई, आप ये एक कम है छोटा व्यवसाय करके आप निर्भर बन सकते हैं। आप इससे बड़े उद्योग के लिए जिसमें कम से कम 10-20 लोग और काम पा सकते हैं लघु उद्योग में, तो ऐसे सरकार व्यवस्था कर रही है कि आप अपना एक मिनी प्लांट स्थापित करके अपने हाथ पैरों पर खड़े हो गए। इसके लिए आपको लिख रहा होगा कि जो भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है भाई, ये हम कोई आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, प्रबंधक से आप खैरात नहीं मांग रहे, ये आपका राइट्स है, ये आपका अधिकार है कि वो चीजें जो मतलब बैंक द्वारा आवश्यक शर्तें हैं अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप है मतलब उसका पालन करते हैं तो वो चीजें आप पाने के हकदार हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि जो ऋण की व्यवस्था की गई है प्रार्थी भी लघु उद्योग मिनी राइस मिल के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है, ऋण चाहता है बैंक के द्वारा जो निर्धारित शर्तें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए प्रार्थी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में प्रार्थी बैंक द्वारा जो नियत समय पे ऋण अदायगी की का जो समय है वो नियत समय पर जो बैंक का मतलब वो है लाभांश है जिसको आप कहते हैं ब्याज है, मैं ब्याज के अपने नियमित समय में वो चुकता कर देगा, ठीक है ना। और अगर नहीं चुकता कर पाता है तो बैंक द्वारा जो उसको क्या किया जाएगा अर्थदंड की व्यवस्था की जाएगी या उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो सारी चीजें वो कम है अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। तो निर्धारित समय में सेवा शर्तों को पूरा करते हुए वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा है और मतलब बैंक के ऋण की अदायगी अपने नियत समय पर पूरा करेगा, ठीक है ना। प्रार्थी ये विश्वास दिलाता है कि अपने नियत समय पर बैंक का ऋण पूरा करेगा। प्रार्थी का नाम पता, हालांकि आप जानते होंगे कि बच्चों एग्जामिनेशन की कॉपी में चाहे वो बोर्ड की कॉपी हो चाहे होम एग्जामिनेशन में तो फिलहाल ये लागू नहीं होता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में आपको अपना नाम नहीं देना होता है, केवल आप अपना रोल नंबर में भी बीच में आप लिखने की व्यवस्था नहीं रह गई है, आभासा करके या ABC करके आप डाल दीजिए, वो आपका एक तरीके से ट्रेडमार्क हो जाएगा कि आपने वो चीजें वहां पे संबोधित कर दिया है, उसके बाद में आपका दिनांक हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका ये बैंक के लिए ऋण का आवेदन पत्र का प्रारूप हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आओगे बच्चों तो फिर एक बार पूछिएगा, फिर हम एक बार चर्चा करेंगे, आपको विधिवत समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।